नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले सीबीएसई का रिजल्ट आया है। काफ़ी लोग बहुत परेशान हैं जिनका मार्क्स बहुत कम आया है। ज़्यादातर बच्चे का मार्क्स 90s प्लस में है, बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे पेरेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मुझे कॉन्टैक्ट करने का प्रयास किया जिनका मार्क्स काफ़ी कम आया है। पेरेंट्स लगातार फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर, मेरे बच्चे का 55%, 60%, 65%, 70% आया, अब ये क्या करेगा, लाइफ तो ख़त्म हो गया। जब ये क्वेश्चन आया मेरे पास तो मुझे अपनी याद आ गई। मैं कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मुझे क्लास ट्वेल्थ में 66 पॉइंट समथिंग आए थे। मैं 67 नहीं बोलने वाला, 66 ही मान लेते हैं, 66% आए। और उन दिनों इस तरीके का माहौल था कि मैं अब गया, लाइफ ख़त्म हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। पेरेंट्स, गांव वाले, समाज वाले, स्कूल वाले, सबका एक एक्सपेक्टेशंस हो जाता है। वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म जब होता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है, लूज़ हो जाता है, गिरने लगता है, नीचे आने लगता है। और यही चीज़ मेरे साथ हुआ। मैं डिमोरलाइज हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया कि अब क्या करें, कुछ नहीं हो सकता। और इन दिनों मैंने सोचा था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँगा, डॉक्टर बनूँगा। और उसके बाद जब ये बात हुआ, ट्वेल्थ का रिजल्ट ख़राब हुआ, उसके बाद इसका इफेक्ट मेरे मेडिकल एग्जामिनेशन पे भी पड़ा। अब क्यों ख़राब हुआ नहीं हुआ वो एक अलग विषय है, उसको छोड़ देते हैं। मैं ये जानता हूँ कि मैंने मेहनत अपने लायक जो भी था मैंने किया था। अनफॉर्चुनेटली हो गया, डजंट मैटर, कोई बात नहीं, लेकिन उस समय तो बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद काफ़ी सोच विचार किया, लेकिन कोई मार्ग, कोई रास्ता मुझे नहीं मिल रहा था। साथ ही मेडिकल एग्जामिनेशन भी नहीं हुए थे, तो अब ऐसी बात है वो एक और एड ऑन कर गया। फिर मुझे ऐसा लगा कि क्या मैं मेडिकल लाइन के लिए उपयुक्त हूँ भी या नहीं हूँ। मैं काफ़ी इंट्रोस्पेक्ट किया और उसके बाद इस निर्णय पर आया कि नहीं, मैंने मेहनत तो अपना पूरा किया है, लेकिन फिर भी हम यदि इसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो शायद ये इंडिकेशन है कि आप अपना रास्ता चेंज कर लें। शायद वो बहुत अच्छा मौका था, आज मैं वैसा फील करता हूँ। मैंने ये डिसीजन ले लिया कि अब मुझे मेडिकल लाइन में नहीं आगे बढ़ना। पेरेंट्स को सूचित नहीं किया, क्योंकि 50 तरीके के जवाब मुझे देने पड़ते, किसी को नहीं पता। और मैं उस समय, कुछ मेरे दोस्त दिल्ली में थे, मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ आइडिया दो। उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो मैं उनके पास गया। फिर उसके बाद रिसर्च करना शुरू किया कि आखिर कहाँ पे किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जहाँ भी जाओ वहाँ पे परसेंटेज से काम होता था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी परसेंटेज लाना ज़रूरी है। कोई भी पूछे कितना परसेंट, तो भाई 66% में कहाँ एडमिशन लोगे दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी में 66% में कहाँ एडमिशन मिलेगा? तो ऑलमोस्ट होपलेस था मैं, लेकिन फिर भी फॉर्म भर दिया था कि क्या पता, कौन जानता है कहीं पे आ जाए यूनिवर्सिटी। और उसके बाद लास्ट कट ऑफ शायद 9वां या 10वां कट ऑफ था, और उसमें एक कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, जो कि साउथ कैंपस में। मैं इस कॉलेज को ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता, ये मेरी ज़िंदगी को बिल्कुल बदल दिया था। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 66% कहीं किसी भी सब्जेक्ट में कट ऑफ नहीं गया। मैं तो ये सोचा था कि जो भी सब्जेक्ट में हो जाए मैं एक बार देख लूँ कैसा होता है, एक्सपेरिमेंट करने का मन था। मुझे उन दिनों फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा और कोई सब्जेक्ट का जानकारी उस तरीके से नहीं था। क्लास ट्वेल्थ में बच्चों को उस तरीके से जानकारी नहीं होता है। लेकिन फॉर्म तो भर दिया था, सब्जेक्ट के नाम भी नहीं पता थे, लेकिन बस जो लोग, सारे लोग कर रहे थे, मैं भी भर दिया फॉर्म। और उसके बाद जाकर के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में शायद एक दो सीट बचे थे, उसके लिए उन्होंने अपने कट ऑफ को रिड्यूस किया। पूरा सुबह से लेकर के शाम तक मैं वहाँ रहा और किसी तरीके से मैंने कहा कि मुझे एडमिशन दे दिया जाए। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन ने पूछा कि आपको किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना है, मैंने कहा जिसमें मिल जाए उसमें दे दो। वो भी सोच करके बड़ा आश्चर्य हो गए कि क्या बोल रहा है, कोई भी सब्जेक्ट जिसमें है उसमें दे दो, क्योंकि 66% में कहाँ एडमिशन मिलेगा। इत्तेफाक से मेरा एडमिशन हुआ बीए प्रोग्राम। बीए प्रोग्राम में उस समय कम्बिनेशन हमारा था पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश। उसके बाद मैं वहाँ पढ़ना शुरू किया। कम से कम 1 से 1.5 महीना मैंने क्लास किया था। वहाँ पे जो स्टूडेंट थे, अच्छा क्राउड था, बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लास में कई बार चर्चा होता था कि पूरे डीयू में कौन सा कॉलेज अच्छा है, और उस समय चर्चा होता था तो ऐसा पाया जाता था कि नॉर्थ कैंपस का जो कॉलेज है वहाँ तो कई बार 99-100% लाने के बाद भी एडमिशन नहीं होता। तो मेरे मन में ऐसा था कि क्यों ना चल करके देखा जाए कैसा कॉलेज है जिसमें 100% कट ऑफ चला जाता है, मतलब सोच करके भी बड़ा आश्चर्य लगता है। उस समय मेरे एक और कलीग थे, उनसे मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है चलते हैं। मैं घूमने के लिए आ गया नॉर्थ कैंपस, और उसके बाद देखा रामदास कॉलेज, हिंदू कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज, दौलत राम, किरोड़ी मल, यहाँ पे सब आसपास ही है। देखा तो बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था, बड़ा देख करके आश्चर्य लगा कि काश मुझे यहाँ एडमिशन हो जाता। इसी बीच मेरे एक कलीग का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि एक ऑप्शन बचा है जिसमें आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैंने पूछा क्या है, बोला कि एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप नॉर्थ कैंपस के कॉलेज में पढ़ सकते हैं। बोला भाई 66% में कैसे पढ़ेंगे, तो कहा ट्राई तो करें। और उन्होंने बताया कि आप एक कॉलेज है वहाँ जाएं, इसका नाम है क्लस्टर इनोवेशन सेंटर CIC, और पता करें वहाँ कि आखिर किस तरीके से एडमिशन होता है। उन्होंने बताया कि वहाँ पे एडमिशन 12th क्लास के मार्क्स के बेसिस पर नहीं होता, बस 60% से अबव आना चाहिए और उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, और यदि क्वालिफाई हो गए तब उनका एडमिशन होगा।
मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कंसेप्ट। मैंने सोचा चलो चल करके पूछते हैं। मैंने पता किया सब कुछ, तो पता चला कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, 10 दिन बचे हैं और उसके बाद इसमें जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो यहाँ पे आकर के पढ़ सकता है। कोर्स के बारे में मैंने पता किया तो कहा कि कोर्स जो है मेटा कॉलेज कंसेप्ट का कोर्स है, मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया। मैंने सोचा छोड़ो ना कोर्स, कुछ भी रहे, नॉर्थ कैंपस में है ना, आकर के देखते हैं, ट्राई करते हैं। 10 दिन तक मोतीलाल नेहरू कॉलेज जाना छोड़ दिया और उसके बाद पढ़ाई शुरू किया इसका एंट्रेंस का। और इत्तेफाक से हम तीन लोग थे सैनिक स्कूल के ही और तीनों का यहाँ एडमिशन हो गया। बहुत कम सीट थे, 20-22 सीट थे उस समय, अब शायद बड़े होंगे। तीनों का एडमिशन हो गया और खुशी खुशी हमने तीनों यहाँ पर एडमिशन ले लिया। और एक सच्चाई बात बताऊँ, उस समय मेरे पास दोबारा कॉलेज में एडमिशन देने के लिए पैसे भी नहीं थे। घर से पैसे नहीं मांग सकता था, घर वाले को नहीं पता कि अभी तो एडमिशन हुआ है, अभी तो पैसा दिया, फिर दोबारा कैसा एडमिशन भाई, कितने बार एडमिशन लोगे। मैंने मोतीलाल नेहरू कॉलेज के प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि सर वहाँ का पैसा यहीं पे ट्रांसफर कर दिया जाए, दोनों तो सेम ही यूनिवर्सिटी का अंग है। उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को स्वीकार किया और वहाँ का पैसा जो एडमिशन का मैंने दिया था मोतीलाल नेहरू कॉलेज में, उसको ट्रांसफर कर दिया गया। ये जो सीआईसी था ये बड़ा विचित्र कॉलेज था, अभी भी है, और इसमें मेटा कॉलेज कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोर्सेस चलते हैं, अलग अलग तरीके के कोर्सेस हैं। ऐसे कोर्सेस हैं जो शायद कोई सुना भी ना हो, उस समय तो मैंने सुना ही नहीं था, पहली बार था, बीटेक इन ह्यूमैनिटीज। आई डोंट नो, सोच करके बड़ा आश्चर्य लगता है। बाद में एक कोर्स बीटेक से बीए इन ह्यूमैनिटीज हो गया, उसका एक अलग स्टोरी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और इसमें प्रैक्टिकल कोर्सेज थे, वैसे कोर्सेज जहां पे आप सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स को ला करके उस पर प्रोजेक्ट करके रिसर्च करके उसमें आप सोसाइटी को कुछ दे सकते हैं, कुछ इस तरीके के कोर्सेज थे। मुझे ज्यादा आइडिया नहीं था लेकिन मेरा एडमिशन हो गया तो मैंने करा लिया। शुरुआती दौर में तो मुझे लगा कि गलत जगह आ गए। आखिर ऐसा क्यों लगा? क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ये मुझे पढ़ाने लगे रिसर्च मेथोडोलॉजी, इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ इस तरीके का जो कभी कोई सुना ना, कोई देखा भी ना। डर लगता था कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं ये। बाद में एहसास हुआ, बाद में पता चला कि जो हमने वहां फर्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च मेथड्स पढ़े थे वो पीएचडी में पढ़ाए जाते हैं, हमने वहां पे पढ़ा। उसका कारण था कि रिसर्च ओरिएंटेड कोर्स था, ये कोर्स था मेटा कॉलेज कंसेप्ट पे बेस्ड। मतलब ये हुआ कि आप अपने डिग्री को खुद ही डिजाइन करें, डिजाइन योर ऑन डिग्री। कैसे करोगे डिजाइन? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, बाकी साथ के साथ जो प्रोजेक्ट होगा वो सीआईसी में ही होगा। सीआईसी का जो कोर सिलेबस है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट करा दिया जाएगा और जो स्पेशलाइजेशन का कोर्स है वो लास्ट सेमेस्टर में आपको कराया जाएगा। बाकी के बीच का जो है आप स्वतंत्र हैं, मेटा कॉलेज कंसेप्ट कहीं भी जाएं और कुछ भी पढ़ें, किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं। वीसी का स्पेशल लेटर है, आप जाइए वहां के प्रिंसिपल को दिखाइए, वहां पे आपको एडमिट कर देंगे। बड़ा अच्छा कंसेप्ट था। मैं रामजस गया अपने स्पेशलाइजेशन के लिए, जाकर उसे दिल्ली कॉलेज गया, बीच में स्टीफन से एक डिप्लोमा भी मैंने किया और इस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरी जर्नी चलती गई। और इत्तेफाक देखिए कि इसी मेरिट में जो हमने एग्जाम दिया उस बेसिस पे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में भी वहां पे सीट मिल गया मुझे। शायद मैं मोतीलाल नेहरू कॉलेज में होता तो हॉस्टल नहीं मिल पाता। यहां पे मेरिट पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के बाद जो मेरिट बना उस पे हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के बेस्ट हॉस्टल में हमने रहा, बहुत कुछ सीखा। वहां पे और भी लोग थे, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के थे, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत कुछ सीख गया। तो ये जिंदगी है, इसमें रुकना नहीं आपको। यदि आपके पास मेरिट है कोई नहीं रोक सकता आपको। मुझे याद आता है एक वाक्या रामजस कॉलेज का, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में जब वहां पे गया तो टीचर्स ने वहां पे टेस्ट लिए और टेस्ट में मेरा जो मार्क्स था वो शायद सेकंड हाईएस्ट था। तो टीचर्स मुझे अप्रिसिएट कर रहे थे और उसी दौरान मुझे कहा कि आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। मैंने इंट्रोडक्शन दिया, बाकी का चीज जो भी है। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि 12th क्लास में कितने मार्क्स आए थे। मैंने कहा सर 66%। वहां पे कम से कम 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे रामजस कॉलेज में, जो रामजस कॉलेज के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एडमिशन क्लास 12th के मार्क्स बेसिस पे लिया था। मैं तो एक स्पेशल केस था, मेटा कॉलेज कंसेप्ट के थ्रू वहां पे गया था, उनके क्लास में पढ़ रहा था। तो सारे लोग देखने लगे कि भाई ये शेरों के झुंड में गधा कहां से आ गया। और उसके बाद जब मुझे टीचर्स का अप्रिसिएशन मिला तब मुझे समझ में आया कि ये मार्क्स वास कुछ नहीं है, सब बकवास है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि आपके पास मेहनत करने की क्षमता है, डेडिकेशन है, तो ये क्लास 12th का एक पेज का मार्कशीट हमारे जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपको। और इसीलिए जितने भी पेरेंट्स, जितने भी स्टूडेंट्स अपने मार्क्स को लेकर के परेशान हैं, बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बस मेहनत करते चले जाएं। आपके पास एक मौका है जिसमें आप सीआईसी में कम से कम जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपका मार्क्स किसी भी वजह से खराब आया है, डजंट मैटर, आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन दीजिए और एंट्रेंस एग्जामिनेशन में यदि क्वालिफाई करते हैं तो यहां पे एडमिशन मिल सकता है। और फिर आप अपना रास्ता धीरे धीरे करके आप अपने खुद ही निकाल लेंगे, खुद ही सब कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में पता चलेगा। मुझे तो कई सब्जेक्ट्स के बारे में क्लास 12th में पता ही नहीं थे। इकोनॉमिक्स ले लें, एंथ्रोपोलॉजी ले लें मानव विज्ञान, सोशियोलॉजी ले लें समाजशास्त्र, ये सब का आइडिया ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ये सब भी सब्जेक्ट होता है क्या। सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग, इसी में इधर उधर पेंडुलम घूमता रहता था, क्या करते, कुआं का मेढक टाइप का जो स्टोरी है ना वही वाला।
तो इस तरीके से सीआईसी ने मुझे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव दिया। कई सारे प्रोजेक्ट्स हमने किए, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जिसमें हमने कुछ ना कुछ सोशल इंटरवेंशन को दिया, सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स को ला करके उस पर रिसर्च किया और वहां पे सोसाइटी को कुछ ना कुछ हमने इनपुट दिए, सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स को उठा करके हमने प्रोजेक्ट किया मेंटर के साथ, जो वहां के प्रोफेसर हुआ करते थे, वो गाइड करते थे कि आखिर कैसे करना है, समाज में कैसे चेंज ला सकते हैं। बड़ा ही प्रैक्टिकल कोर्स था, शायद सारे लोगों को सूट ना करे, लेकिन आप देख सकते हैं। यदि आपको सीआईसी के बारे में और कुछ जानना है, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के कोर्सेज हैं, किस तरीके का क्वेश्चन पैटर्न है, अभी कुछ दिन पहले मुझे एक वेबसाइट का नाम पता चला है जो कि बहुत अच्छे तरीके से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, मॉक टेस्ट सारा कुछ डिजाइन करके रखा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं चाहता हूँ कि आपके साथ मैं इसे शेयर करूँ। theDUtimes.com में इन्होंने बड़े अच्छे से सब कुछ जो है अच्छे से अरेंज करके रखा है, जिसमें अलग अलग कोर्सेज के बारे में इन्होंने मॉक टेस्ट उसके बारे में जानकारी जो भी जरूरी है वो वहां पे रखा है। सीआईसी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पे मेंटेन करके रखा है। आप चाहें तो इनके वेबसाइट पे जाकर के यहां पे विजिट कर सकते हैं, यहां पे देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे पूछे जाते हैं। तो आपको वहां पे जो कॉन्टैक्ट है उस नंबर पे आप जाकर के उनसे बात भी कर सकते हैं और जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है आपको वहां पे बिल्कुल ऑथेंटिक वे में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसको देख सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये मुझे पता चला तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स को जो जरूरत में है, जरूरतमंद है, उनको मैं बता दूं। एक और क्वेश्चन आपके मन में उठ सकता है कि क्या सीआईसी के माध्यम से हम अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ सकते हैं? क्या बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मैंने खुद ही बताया, मैंने रामजस गया, जाकिर हुसैन गया, मेरे बहुत सारे जो कलीग हैं वो एसआरसीसी में पढ़ाई किया, हिंदू कॉलेज गए, अलग अलग कॉलेज में जिनको जैसा सब्जेक्ट सूट किया। चूंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो था डिजाइन योर ऑन डिग्री, तो आप देख लीजिए आपको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी में आगे बढ़िए। मुझे साइकोलॉजी में था तो मुझे जाकिर हुसैन जाना पड़ा। बहुत सारे लोगों को इकोनॉमिक्स में था, बीकॉम के कुछ सब्जेक्ट्स में थे, एसआरसीसी उन्होंने गया। बहुत सारे लोग हिंदू कॉलेज गए, किरोड़ीमल कॉलेज गए, अलग अलग कॉलेज में गए। डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट क्या है और क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आपका इंटरव्यू होगा, आप यदि जस्टिफाई करोगे साहब मुझे ये वाला लेना है और मेरा जो डिग्री है वो इस तरीके से मैं बनाना चाहता हूं, तो आप वहां पे कर सकते थे। जो मेंटोर है उनको बस सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, दैट्स ऑल। यदि ऐसा है तो आप जा सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि आपका मार्क्स कम आया तो आप अच्छे कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक रास्ता आपको बताया है, ऐसे और कई रास्ते हैं। इनके वेबसाइट पर जाकर के आप देखिएगा, इनको ज्यादा आइडिया होगा। आप इनसे जरूर बात कीजिए, आपको कुछ ना कुछ आइडिया जरूर मिल जाएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से वैसे स्टूडेंट्स को जिनका मार्क्स किसी भी वजह से कम आया है उनको एक एक्स्ट्रा रास्ता जरूर मिल गया होगा। यदि आप चाहें तो इस रास्ते पर चल करके आप अपने मंजिल को आराम से पा सकते हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका क्लास 12th में मार्क्स कम आया तो आपकी जिंदगी ही खराब हो गई। ये सब बकवास चीज है, आप इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करें। मेहनत करते चले जाएं, यदि आप ढंग से मेहनत करते चले जाएंगे कोई माय का लाल आपको नहीं रोक सकता। आप जरूर अपने मंजिल पे पहुंच सकते हैं। आप जो भी सोचा है, जो भी करने को सोचा है उसको जरूर आप कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, शायद कुछ लोगों का भला हो जाए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।